महिमा है ना इसलिए सब करे इसको दो और बोलने के लिए और एक दो
माइक के वक्त, कीर्तन के वक्त माइक मत लगाओ, इंस्ट्रूमेंट से कोई भी आवाज नहीं आती, माइक निकाल दो, ऐसे रखो। Thank you.
तत्पश्चात ऋषिश्वर देव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दिन ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगणों के चरणों में एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दिन ज्ञापन होगा। बागपत वालों ने बहुत सुंदर आयोजन किया, इनके जोरदार तालियां हरि बोल। पर एक निवेदन है, आयोजन करने में जो शक्ति आपने दी, जो ऊर्जा आपने दी, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा नहीं सुनी और सिर्फ इसी में लगे रहे तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आप सब बैठ जाइए, आगे आ जाइए। जब हम छोटे थे, बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो खेल खेल में पूछा करते थे, तुम कौन हो, तुम कहाँ हो। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को पूछता था तो कहता था, मैं यहाँ हूं, मैं ये हूं। तो तेरी छाती है। अच्छा तो मैं ये हूं। तो तेरा मुंह है। अच्छा तो मैं ये हूं, ये तो तेरा हाथ है, तुम कहाँ है। ऐसे करते करते बच्चा ऊपर से नीचे तक सब जगह छुपकर बताता, मैं यहाँ हूं, मैं यहाँ हूं, लेकिन ये नहीं बता पाता था कि तुम कौन हो, तुम कहाँ हो। अब उम्र इतनी हो गई और धीरे धीरे देखो ये संसार से हम सबको जाना भी है, और अभी तक हम ये जान नहीं पाए कि हम कौन हैं। हम लोग ये शरीर नहीं है, ये तो बच्चे ने छोटी सी उम्र में बता दिया कि तुम ये नहीं हो, तुम यह तुम्हारा शरीर का ये अंग है, ये हाथ है, ये मुख है, इस तरीके से बताया। वास्तविकता में हम लोग आत्मा है। कौन है हम लोग, बोलो थोड़ा सा, आत्मा। और आत्मा का एक स्वरूप है, जिस प्रकार से ये जो हमें शरीर मिला, जिस प्रकार से हमारा ये रूप है, वह रूप नश्वर है, थोड़े समय के लिए मिला, ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। वास्तविकता में जो स्वरूप है उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य योनि मिली। हम अपने आप को जान ले इस जीवन में, अपने आप को पहचान ले, अपने आप का दर्शन कर ले, तो ये जीवन सार्थक है। नहीं तो 84 लाख योनियों में बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। तो अपने आप को जानने के लिए, और हम जिस परम पिता परमेश्वर के अंश हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांछो जीव लोका जीव भूता सनातना, मतलब मेरा स्वरूप सनातन है और मेरे जो अंश जीव है उसका भी स्वरूप सनातन है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। देखो जिस प्रकार से एक सोना है, इस संसार में कोई भी वस्तु से भगवान की उपमा नहीं दी जा सकती, तो भी उदाहरण के लिए हमें देने पड़ते हैं। शास्त्रों में भी कई प्रकार के उदाहरण हैं। जिस प्रकार से सोना, एक सोने का बहुत बड़ा पहाड़ है, और उस पहाड़ को सोना बोला जाएगा, सोने का पहाड़। उसी सोने के पहाड़ जैसे ही गुणों वाले सोने से
हम आभूषण बनाते हैं, छोटी छोटी अंगूठियां बनाते हैं, गुण समान है, वो भी उतना ही गुणी है जो छोटा सोना का आभूषण है, जो पहाड़ सोना है उसके समान ही है, तो भी छोटा आभूषण छोटी अंगूठी उस पहाड़ के सोने की बराबरी नहीं कर सकती, या कर लेगी नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सत चित और आनंद के विग्रह हैं, और हम उनके अंश होने के कारण उन जैसे गुण होते हुए हम भी सनातन हैं, अर्थात आत्मा भी उनके जैसे गुण होने के कारण कभी मरता नहीं है। भगवान अजर अमर है, भगवान गीता में कह रहे हैं अजो गति, मैं अजर अमर हूं तो भी मेरा जन्म मेरा कर्म ये दिव्य है। जो इसे जान लेता है, तत्वता जान लेता है, वो निश्चित तौर से मेरे धाम को आ जाता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। और जो लोग नहीं जान पाते, बार बार आना और बार बार जाना, ये संसार की सृष्टि क्यों हुई इसे जानना चाहिए। देखिए हम जितने भी जीवात्माएं हैं, जितने भी यहाँ पर योनियां हैं, 84 लाख योनियां, चाहे वो मनुष्य की है, चाहे वो कुत्ते बिल्ली या पेड़ पौधे की है, चाहे जीव जंतु की है, वो सभी जीवात्माओं ने तटस्था शक्ति, भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, उनमें से मुख्यतः 3 शक्ति जो विशेष करके कार्य करती हैं, वो है स्वरूप शक्ति, तटस्था शक्ति और एक माया शक्ति, जिसमें हम सब जो जीव हैं वो जीव शक्ति या तटस्था शक्ति से प्रकटित है। हमने देखा कि संसार में लोग बाग भोग कर रहे हैं, तो हमने इच्छा की हम भी भोग करें, और भोग करने की अभिलाषा से जैसे ही इच्छा हमारी पूरी हुई, करने की इच्छा हुई, तो माया ने हमें एकदम झपट करके इस संसार में डाल दिया। समझ रहे बात, इच्छा मात्र से हमें करोड़ों करोड़ों वर्षों से इस जन्म मृत्यु के फेर में लगना पड़ रहा है, और कुछ जीवों ने इच्छा की कि भगवान की सेवा करें, तो उन्होंने भगवान की सेवा करने वाले पार्षदों को, सेवा करने वाले जीवों को देखा, और उनकी इच्छा को अपनी इच्छा से मिलाकर के वो उस धाम में चले गए। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने जो सोचा कि संसार में आनंद है, तो प्रभु ने कृपालु दयालु है, एकमात्र इच्छा से हमें उधर भेज देते हैं जहां हमारी इच्छा होती है। तो इसीलिए ये जो संसार है इसे दुखालयम अशाश्वतम कहा, कि ये दुखों का एक सागर है और ये शाश्वत भी नहीं है, सनातन भी नहीं है, बार बार नष्ट होगा, बार बार प्रलय होगी और फिर पुनः सृष्टि होगी। इतना कष्ट है जीवों को, यहां पर 3 तापों से दग्ध है जीव। 3 ताप कौन कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक क्या होता है? जो दैववश या भूकंप और प्रलय आती है या बाढ़ आती है, वह है ताप। दूसरा आदि भौतिक, भौतिक संसार में जो आपस में जीव एक दूसरे को कष्ट देता है, या अपने कर्मों के अनुसार जो फल स्वरूप दुख मिलता है, वह आदि भौतिक होता है। और एक आध्यात्मिक, जो मन के कारण हमें कष्ट होते हैं, वो आध्यात्मिक। तो इस प्रकार के तापों को हमें यहां पर सहना पड़ता है, और सबसे बड़ा दुख जन्म और मृत्यु। जब मृत्यु होती है तो शास्त्रों में वर्णन है, करोड़ों करोड़ों बिच्छू जब एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है जब ये शरीर को त्यागना पड़ता है। तो इन सब बातों से, इन सब दुखों से कैसे बचा जाए, इसका क्या तरीका है? तो यहां शास्त्रों में बड़ा सरल विधि बतलाया कि
भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है इन सब तापों से बचने का और भगवान के धाम वापस जाने का। तो भक्ति योग में भी और ज्यादा सरल चैतन्य महाप्रभु ने किया, जो ये महामंत्र अभी महाराज श्री गा रहे थे उसको हम सब यदि निरंतर गाते रहे तो निश्चित तौर से ये 84 लाख योनियों में जो भ्रमण है और जन्म मृत्यु का जो आवागमन है उससे हम लोग बच जाएंगे। तो एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। एक पुराणों में कथा आती है कि एक बार भगवान से नारद जी बोले, हे प्रभु आप ये बताइए करोड़ों करोड़ों युगों से यहां संसार में जीव ताप को भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में आते हैं, फिर पृथ्वी में भी नरक स्वरूप दुख को भोगते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सबके सब सुखी हो जाएं, सबके सब भगवान के धाम में आ जाएं? तो भगवान नारायण बोले, नारद जी मैं तो खुद चाहता हूं कि एक भी यहां पर जीव दुख ना भोगे और मेरे धाम को आ जाए, परंतु इनकी इच्छा ही नहीं होती। अगर ये इच्छा करे तो कष्ट दुख सब खत्म होकर हो जाएगा और मेरे धाम को ये लोग आ जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात तो नहीं है, जो बुढ़े बुढ़े हो चुके हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उन्होंने सारा संसार देख लिया, उनमें विरक्ति जरूर आ गई होगी, भगवान मैं एक बार देख करके आता हूं किसी जीव की अगर विरक्ति हो गई हो तो मैं उसको लेकर आता हूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, नारद जी आप जाइए और जितने मर्जी आप मनुष्यों को लेकर आ जाइए जो यहां आना चाहते हैं, जो भजन करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भजन की शिक्षा दे करके यहां लेकर आइए। नारद जी ने कहा मैं अब यहां ढेर लगा दूंगा धाम में। नारद जी आए और एक गांव में पहुंचे, गांव में जाकर के देखा एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था और उसका नाम था कैलाश। नारद जी आए, नारद जी को देख करके उसने कहा कि महात्मा आए हैं। नारद जी ने वेश साधु का धारण करके गए और जैसे ही गए तो कैलाश ने कहा महात्मा जी आइए आइए विराजिए, बड़ा आदर सत्कार किया। ग्रामीण था, दूध दही इत्यादि मंगा कर अच्छे से खिलाया खिलाया नारद जी को। नारद जी ने कहा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। अच्छा कैलाश, तुम एक काम करो, तुम मुझे सदाचारी नजर आते हो। हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ तो नारद जी ने बोला तुम्हारा क्या नाम है? तो उस व्यक्ति ने बताया मेरा नाम कैलाश है। तो कैलाश तुम्हारा यहां पर सब कुछ अच्छा हो गया है, तुम्हारे देखो बच्चे भी हो गए, उनकी शादी भी हो गई है, अब क्यों नहीं भजन करके भगवान के धाम चलते हो? तो अभी तक तो सब कुछ अच्छे से सेवा कर रहा था। वह व्यक्ति कैलाश एकदम से कहा अरे महाराज अभी कहां मैं चला जाऊं, अभी तो ये बालक की शादी तो मैंने करा दी परंतु बिल्कुल विवेकहीन है, इन्हें पता नहीं है खेतों में कब क्या बोना है, खेतों में कब पानी देना है और किस प्रकार से धन की सुरक्षा करनी है, घर की सुरक्षा करनी है, पशुओं की सुरक्षा करनी है, कुछ ज्ञात नहीं है। अभी थोड़ा सा इनको बड़े हो जाने दो, पोता पोती हो जाने दो, उसके उपरांत मैं चलूंगा। तो नारद जी बोले अच्छी बात है, चलो इसने मुझे जो है आश्वासन दिया है तो मैं पुनः आ जाऊंगा।
अब नारद जी 8-10 साल बाद फिर आए। 8-10 साल बाद जब आए तो कैलाश को देखा और थोड़ा वृद्ध हो गया। बोला कैलाश अब तो तुम्हारे पोते भी हो गए, पोतियां हो गई, अब तो तुम्हारा पुत्र भी बड़ा हो गया और अच्छे से घर बार संभाल रहा है, चलो अब मेरे साथ भगवान के धाम, दोनों हरि नाम करते हुए भगवान के धाम चलते हैं। देखो कितना सुलभ करा रहे हैं नारद जी, और हम लोगों की जो अभिलाषाएं हैं संसार में किस प्रकार से आकर्षित हो जाती हैं। देखिए कैलाश बोलता है महाराज आपका स्वागत है, आइए दूध पीजिए, खूब दूध बात पिलाया, लेकिन उसके बाद क्या कहता है कि महाराज मुझे कुछ समय और दीजिए, अभी ये जो है मेरा बेटा तो खेती बाड़ी करना सीख गया, लेकिन ये जो पोते पोती हैं ये अभी कुछ जानते नहीं है, बालक हैं, इनकी देखरेख अभी बच्चा नहीं कर पाता हूँ, सारे दिन लगा रहता है और बहू सारे दिन चूल्हे में लगी रहती है, मुझे इनकी जो है देखरेख करनी होती है। अच्छा कितने समय बाद आ जाऊं? महाराज कम से कम इन्हें बड़े होने में 8-10 साल तो लगेंगे, ठीक है मैं 10 साल फिर बाद आता हूं। अब नारद जी फिर 10 साल बाद जब आए, पोते भी बड़े हो गए, खेती बाड़ी अच्छे से चल रही है, सब कुछ अच्छा है, कैलाश को देख करके कहा कैलाश चलो अब बहुत समय हो गया, अब तो तुम्हारे पोते भी जो हैं अच्छे तरीके से पूरे काम को संभाल रहे हैं। तो वो कहता है कहां संभाल रहे हैं, ये लोग जो हैं इतने नालायक हो चुके हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करते। जब गेहूं बोने का समय होता है वो समय निकाल देते हैं, और यदि मैं इन्हें लाठी लेकर ना डांटूं तो ये कुछ करना ही नहीं चाहते, और जब पानी देने का समय होता पानी नहीं देते, मुझे खेत में जाकर के बैठना पड़ता तब जाके काम होता। अच्छा तो फिर अब तुम्हारा देखो वृद्धावस्था चल रही है, कब मृत्यु हो जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा, अभी अवसर है भगवान के धाम जाने का, हरिनाम करके चलते। तो कैलाश ने कहा प्रभु थोड़ा समय और दे दो, ये जो मेरे पशु हैं अभी नए नए आए, नए बैल आए हैं, और इनको भी कुछ सिखाना है, इनसे जो है काम लेना हमारे बच्चों को नहीं आता, मैं पूरा परिपक्व हूं, इन सब अवस्थाओं से निकला हुआ हूं, इन बैलों को अच्छे से मैं समझा बुझा करके सिखा बुझा करके फिर आपके साथ चलूंगा, जब ये बैल अपने आप खेती बाड़ी करवा देंगे हमारे तो मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है मैं 1 साल बाद आता हूं, क्योंकि तुम्हारी अब वृद्धावस्था आ रही है, मृत्यु आ सकती है। 1 साल बाद जब फिर आए तो नारद जी ने कहा चलो कैलाश बहुत समय हुआ, कहा कि कहां कैलाश कहां है, कैलाश नजर ही नहीं आया, कैलाश की मृत्यु हो गई। अब देखा ध्यान लगा करके कैलाश कहां है, कैलाश कहां, अरे ये तो बैल बन गया, देखो आसक्ति कहां थी उसकी बैल में आकर, में क्योंकि बैल में इतना आवेशित हो गया कि ये किसी प्रकार से खेत को खुद ही जोतने लग जाए, वो खुद ही बैल बन करके अगले जन्म में खुद बैल बन करके अपने घर में ही पैदा हुआ, और वहां जो खेती बाड़ी जो बच्चे कर रहे हैं वो उनकी खेती में सहायक है, सब उसको बच्चे लाठी भी मार रहे हैं, सब कुछ जो है दंडित होते हुए खुश है। तो नारद जी पहचान गए कि ये तो बैल बन गया, कैलाश देखो तुम्हारी क्या गति होगी, मनुष्य से तुम बैल बन गए, अब तो चलो। कहां चले, ये तो मेरे पोते जो है ना बिल्कुल नालायक है, ये चिंता ही नहीं करते कि किस प्रकार से जोतना चाहिए, अगर मैं ना चलूं तो जुतेगा नहीं खेत, इसीलिए महाराज मुझे अभी यहीं रहने दो, थोड़े दिनों में देखते फिर आना। महाराज जी फिर आए, पता चला बैल भी मर गया, अरे कैलाश कहां चला गया, देखा कि कैलाश कुत्ता बन गया, उसी घर के बाहर चौकीदारी कर रहा। तब भाई कैलाश देख तेरी क्या दुर्गति हो रही है, कहां तू मनुष्य था हरिनाम करता आनंद से वैकुंठ चलता मेरे साथ, और कहां बैल बनकर अब कुत्ता बन गया। कर महाराज मैं क्या करूं, ये लोग इतने लापरवाह हैं, रात्रि में किवाड़ भी बंद नहीं करते ऐसे सो जाते हैं, अगर मैं जागू नहीं चौकीदारी ना करूं तो सब कुछ यहां से चोर ले जाएं। तो अरे अब भैया चलो हरिनाम करो और मेरे साथ चलो भगवान के धाम जाना है। तो नहीं प्रभु अभी तो मुझे यहां और थोड़ा सा समय दीजिए। उसके बाद जब 2-3 साल बाद और आए, 5-10 साल बाद फिर आए नारद जी, देखा कुत्ता नजर नहीं आ रहा है, तब ध्यान लगा के देखा कि कैलाश ने कभी एक जमीन में एक मटके में धन गाड़ के रखा था, और उस धन की सुरक्षा कर रहा है एक सांप,
वो कैलाश ही बनकर बैठा हुआ है वो सांप। तो अरे कैलाश ये क्या कर लिया तूने, कहां मनुष्य था, कहां फिर बैल बना, फिर कुत्ता बना और अब सर्प बन गया, कहां तामसिक योनि में घुसा जा रहा है, फिर को इतना सुंदर वैकुंठ दिला रहा था और तू क्या क्या बन रहा है। अरे प्रभु मैं ये आसक्ति नहीं त्याग सकता, ये धन मैंने इतना कठोर परिश्रम से कमाया था और मैं इसको कैसे त्याग के चला जाऊं। तो तू ऐसे नहीं सुधरेगा, तेरे को दंड देना ही पड़ेगा। नारद जी ने जाकर के उनके पुत्रों और पोतों से कहा, देखो तुम्हारे जो दादा बाबा थे उन्होंने इस स्थान पर धन गाड़ रखा है और वहां पर ध्यान पूर्वक खोदना, वहां एक सर्प बैठा है, उसको थोड़ा सा लठिया देना लेकिन मारना मत क्योंकि उसने सुरक्षा की है। मतलब ठीक है। तो उन्होंने खोदा तो एक कलश दिखा और सांप दिखा और वह उन्होंने उनकी पिटाई करी, कमर तोड़ दी सांप की, लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया उसको, जाने दिया। कहा देखा कैलाश ये है तुम्हारा प्रेम, ये है मोह, जिन बच्चों के लिए तुम पागलों की तरह अपना मनुष्य तन छोड़ करके बैल बन गए, फिर कुत्ता बन गए, फिर सर्प बन गए और ये देखो ये तुम लटी आ रहे हैं और तुम्हारा धन भी तुमसे खोस लिया, छीन लिया, ये संसार है। तो इसीलिए हरिनाम कर लो भैया, आप मेरे साथ चल लो। तब जाकर के असंख्य प्रयास करने पर एक जीव वो भी दंडित होकर तैयार हुआ भगवान के धाम जाने के लिए। तो इतना मुश्किल है भगवान की चरणों में प्रीति लगाना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसे और सरल करा, कैसे, कहा कुछ मत करो, कोई तपस्या मत करो, कोई ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, कोई योग करने की आवश्यकता नहीं है, फिर कैसे करें। आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए एकमात्र हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर से बोलो हाथ उठा करके, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 संकीर्तन की। तो ये महामंत्र में केवल और केवल हरि का ही नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है, राधा का नाम है। इसको जपने से हमारा जो चित्त है वो निर्मल होगा, करोड़ों करोड़ों जो जन्म हमने ले रखे हैं उससे जो अनर्थ हमने हृदय भर रखे हैं वो सब मिट जाएंगे, सब धुल जाएंगे सिर्फ हरि नाम से। इसीलिए आप सबसे निवेदन है खूब सुख पूर्वक हरि नाम कीजिए। धन्यवाद। वांछा कलम लेकिन इसकी सार्थकता किसमें है,
इसको हम सार्थक कैसे करें, हम बस इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं। कभी कुछ परिवारों में मैंने देखा है कि कुछ परिवार अपने घर में जो अपने परिवार में देखते हैं उसी के अनुसार आचरण करके उसी तरह से भक्ति करते हैं। वो भक्ति गलत है या सही है, किस दिशा में जा रहे हैं हम, इसका जानने का प्रयास हम बिल्कुल नहीं करते। अभी गुरुदेव बताते हैं कि यदि हम वास्तव में इस तन को सार्थक करना चाहते हैं, इस देह को सार्थक करना चाहते हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें बहुत सुंदर और एक सरल तरीका हमें बता दिया है। क्योंकि हर युग में इस तन को सार्थक करने का एक अलग उपाय होता है। कलयुग में कहा गया है केवल हरि नाम ही, केवल हरि नाम ही हमें इस तन की सार्थकता दे सकता है। कहा एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण कहिए या बहुत प्राचीन कहिए या बहुत प्रभावशाली एक ग्रंथ है बृहदारण्यक पुराण, उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते नास्ते गतिरन्य। कहा कि अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही हमें इस भवसागर से मुक्ति दिला सकता है, इसके अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब वो जो हरि नाम है वो क्या है, वो यही है। एक बार आप सभी बोलना, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं लेकिन आप ना बोलते हैं, आप पता नहीं किस उधेड़ बोलने लगे हुए हो। एक साथ बोलना, बोलो हरे कृष्णा। अभी बागपत वालों की आवाज नहीं आई, कहते हैं बागपत वाले तो बहुत तेज बोलते हैं, लेकिन आप अपना नाम गंदा मत करो, पूरी तेजी से बोलो, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये है वो महामंत्र। यदि पहले जमाने में आपने एक बात देखी होगी, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जब कोई नई नवेली दुल्हन घर में आती थी, देख पाओ मैं तुझे बहुत अच्छी बात सिखा रही हूँ, इसे अपने धोती के पल्लू में गांठ मार ले। तो इसीलिए आज गुरुदेव के अनुग्रह से मेरे खड़े होकर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस महामंत्र को आप अपनी धोती के पल्लू में गांठ मार लो। हर रोज उठते बैठते सुबह शाम इस महामंत्र को जरूर जपो, और कोई पूजा अर्चना करो या ना करो, केवल ये हरिनाम यदि आप सुबह दो माला के माध्यम से जप लोगे तो निश्चित तौर से आपको इसलिए इस भवसागर के बंधन से पार हो जाओगे। और दूसरे, वैसे तो आप सबको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, सबको पता है। अच्छा, जो बड़ोद वाले आए हैं वो तो अपना हाथ नीचे ही रखना, जो बागपत वासी हैं उनमें से बस ये बता दो कि आप सब में से एकादशी का व्रत कौन कौन करता है, हाथ पूरा उठाना, मेरी नजर कमजोर है, कमी करते हैं, रख लीजिए, नीचे कर लीजिए। देखो कल ही गुरुदेव बोल रहे थे कथा में कि सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार गुरुवार, आप इन व्रत को करो तो अच्छा, ना करो तो अच्छा, इनके करने या ना करने से आपको कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करोगे तो निश्चित तौर से आपको पाप लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन जितने भी इस जगत के सबसे बड़े पाप हैं, जैसे नर हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, ये चारों के चारों पाप उस दिन अन्न में समा जाते हैं। यदि हम एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो आप अन्न नहीं खाते बल्कि पाप ग्रहण करते हैं। गुरुदेव को यहाँ तक कहते हैं कि एकादशी के दिन, हाँ गुरुदेव को ये कहते हैं कि एकादशी के दिन ना तो अन्न को खाना चाहिए और ना ही अन्न खाने के लिए किसी को देना चाहिए। पर लेकिन
और किसी का नाम हम खाएं या ना खाएं। कहते हैं जिस चीज का बंधन होता है ना, मन उसी की तरफ को भागता है। अगर जो कहा गया कि आज तुम्हें अन्न नहीं खाना, तो सुबह से चिंता हो जाएगी आज शाम को क्या खाऊंगा। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि तुम हमारे मठ में आके देखो ना, एकादशी के दिन तुम मठ में आओ और तुम्हें 36 प्रकार के व्यंजन और 56 प्रकार के भोग, और किसी भी व्यंजन में आपको अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। खाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, आप दूध पीजिए, दूध से बनी मिठाइयाँ खाइए, फल खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, सब्जियाँ उबाल के उनमें तरह तरह के नींबू वगैरह निचोड़ के वो खाइए, इतनी सारी चीज़ें हैं, पर नहीं अन्न तो जरूर खाना। तो इसलिए आपसे विनती है कि अन्न को मत खाया करो एकादशी के दिन, अन्न को त्याग दो। और बहुत लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो ये सोचते हैं कि जितना मैंने धन इकट्ठा किया उस धन को केवल मैं ही संचित कर सकता हूँ, यानी मैं ही उसकी देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, धन तो वहीं जाएगा जहाँ जिसकी किस्मत में भगवान ने लिख दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो भक्ति करेगा उसके पास धन नहीं होता। एक बार की बात है, मैं एक छोटी सी कथा बताता हूँ। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उन सेठ जी के पास धन बहुत था लेकिन था नास्तिक, भगवान की बिल्कुल पूजा अर्चना नहीं करता था, ना ही भगवान का नाम जप करता था। तो एक बार क्या हुआ, उसे लक्ष्मी जी ने रात को सपने में दर्शन दिए और लक्ष्मी जी बोली कि देखो अब मैं तुम्हारे यहाँ से जाऊंगी, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। तो वो बोला क्यों, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया। तो लक्ष्मी बोली तू मुझे ठाकुर जी की सेवा में तो लगाता नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि लक्ष्मी किसकी है, ठाकुर जी की है। अगर वो लक्ष्मी ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगी तो वो किसी काम की नहीं। तो इसीलिए लक्ष्मी जी उसे सपने में कह रही हैं कि तू तो मुझे हवा बाल लगाता नहीं, बस तिजोरी में बंद करके रखे जा रहा है, तो इसलिए मैं तेरे यहाँ से चली जाऊंगी। तो अब उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, वो सुबह के उठ के उसने मन में ठान लिया मैं भी देखता हूँ कैसे जाएगी। उसने क्या किया, बड़ी बड़ी पहले जो कड़ी लगती थी ना मकानों में, वो कड़ी मंगवाई और सारी की सारी कड़ी अंदर से खोखली करा दी, और जितना धन उसकी तिजोरी में था वो सारा का सारा धन उस कड़ी के अंदर भरवा दिया और दोनों तरफ से डांट लगवा दी। देखता हूँ अब कैसे जाएगी, लोग समझेंगे कि कड़ी है, धन तो है ही नहीं इसके पास, ना तो अब चोरी हो सकता। तो सारी की सारी कड़ी ऐसे ही बाहर गिरवा दी चौक में और बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि अब कहीं नहीं जा सकती। संयोग बस इतनी बड़ी बाढ़ आई उस शहर में, इतनी ज्यादा बाढ़ आई कि वो मकान तो छोड़ो, वो सारी की सारी कड़ी भी बह गई। अब उसने सोचा भाई ये तो चाला हो गया, तो कड़ी भी चली गई। अब वो किसी के मकान की छत के ऊपर जाके खड़ा होकर देखता है कि देखता हूँ ये कड़ी कहाँ तक जा रही है। तो उसने देखा कि वे सारी की सारी कड़ी एक हलवाई की दुकान पे जाके ठहर गई। तो सुबह को जब बाढ़ शांत हो गई, बरसात शांत हो गई, तो वो नाव के द्वारा वहाँ गया, उस हलवाई की दुकान पे गया और उसे पकड़ के चुपचाप, बताया कुछ नहीं, उसे दुकान से घर ले आया। कहने लगे भैया ये कड़ी तेरे पास आई है कि? हाँ मेरे पास आई है, मेरी है। तो कहने लगे अच्छा, तो इनमें से एक कड़ी को अंदर लिया। वो एक कड़ी अंदर लेके आया तो कहने लगा अच्छा एक कुल्हाड़ी और ला। वो कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, मुझे चिरवानी थोड़ी है ये, तुमने सोचा होगा बाहर पड़ी चिरवानी होंगी सेठ जी को, चिरवानी नहीं भाई मुझे तो मकान में लगानी है। अरे भाई जो मैं कह रहा हूँ तो कर, तू एक कुल्हाड़ी लेके आ। वो कुल्हाड़ी लेके आया और जैसे ही उसने उसमें से चीरी, वो पाड़ी उसको फाड़ कर दी, तो उसके अंदर से तो वही जो उसने भरक रखा था, जो असरफियाँ भरक कर थी, वो सारी की सारी असरफियाँ उसमें से बाहर आ गई। तो जो हलवाई था उसकी तो आँखें चकाचौंध रह गई। वो कहने लगी इतनी सारी असरफियाँ? वो कहने लगी केवल इसमें नहीं है, जितनी पड़ी सारियों में ऐसे ही हैं। फिर हलवाई को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अंदर गया हूँ। हलवाई खुद ठाठाकर देखने के सारी अंदर ले आया और अंदर ला के रखने के बाद वो जब वो चलने लगा तो वो कहने लगा अच्छा भाई तूने मुझ पर इतनी कृपा की है, तो इसमें से थोड़ा सा धन तू भी ले जा।
तो वो भाई बोला कि भाई ये आयु उससे ही है, अगर ये मेरे यहीं रहनी होती तो तेरे यहाँ क्यों आती। तो फिर भी उसको हलवाई को सबर ना हुआ, तो उसने सोचा कि एक बहुत बड़ा लड्डू बना दूँ और उस लड्डू के अंदर कुछ असरफियाँ रख दूँ। तो उसने 5 किलो का बड़ा सारा लड्डू बनाया और उसमें भी असरफियाँ रख दी। अब वो असरफी लेके पहुँचा कहाँ, घाट पर। अब वो नाव वाले से बोल रहा, भाई तू मुझे क्या उस पार कर देगा। कहने लगे हाँ कर दूंगा, मेरे तो काम ही नहीं है, मुझे तो उतराई चाहिए। कहने लगे भाई देख पैसा तो मेरे पास देने को है नहीं, बस ये लड्डू है, तू ये लड्डू ले लेना। तो वो बोला ठीक है लड्डू दे देना, आज बच्चे खा लेंगे। तो उसने वो लड्डू लिया और नाव पार करके परली तरफ पहुँच गया। अब उस नाव वाले ने क्या सोचा, 5 किलो का लड्डू है, घर ले जाऊंगा क्या करेंगे, तो कम से कम 100 रुपया मिलेगा, हलवाई का बेच लूंगा। अब वो उसी हलवाई के यहाँ चला गया उस लड्डू को लेके, जिस हलवाई के यहाँ से वो लड्डू लेके सेठ जी आए। अब वो तो लड्डू देखते ही समझ गया, उसने पूछा भैया ये लड्डू खरीद लोगे तुम। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं खरीदूंगा, तुम लाओ तो सही। उसने रखा और 100 रुपया दिया उसने उसको, और वो लड्डू अपने कब्जे में करके और अंदर ले जाके छोड़ के अपने मन ही मन में कहने लगा, सत्य है कि जिसकी किस्मत में धन नहीं होता उसकी किस्मत में लाख कोशिश करने के बाद भी धन प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि सुबह से शाम तक धन के पीछे मत भागो। एक बार कम से कम भगवान ने अगर हमें जीने के लिए 24 घंटे का समय दिया है तो कम से कम उसमें से 10% यानी 2 घंटा 40 मिनट तो भगवान को दो। लेकिन 2 घंटा 40 मिनट तो छोड़ो, अगर कोई हमें ये कहे टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ रहा है तो 1 घंटा छोड़ो 2 घंटा छोड़ो 4 घंटे तक हम तारक मेहता का चश्मा लगा के देखेंगे, लेकिन हरि नाम नहीं करेंगे। क्योंकि लगता है ना कि अरे अभी तो बड़ी उम्र है, छोटी उम्र है, अभी क्या करना है, बहुत वर्ष पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगला पल तुम्हारा है कि नहीं है। हम सोचते हैं कि हम प्रतिदिन प्रतिपल प्रति घंटा बड़े हो रहे हैं, हम तो बड़े मैच्योर हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े तो हम उस दिन थे जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, पूरी आयु तो उस दिन थी, अब तो प्रतिपल प्रति घंटा प्रतिदिन हम छोटे होते जा रहे हैं, हम हमेशा मृत्यु की ओर जा रहे हैं और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि अगला पल हमारा है कि नहीं है। इसीलिए बारंबार बार बार यही गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई हरि नाम कर लो, एकादशी का व्रत कर लो। तो जिस जिसने एकादशी व्रत नहीं किया, बागपत वासियों से बात कर रहा हूँ बस, जिस जिसने एकादशी का व्रत जो नहीं करते, क्या आप मेरी बात सुन के एक संकल्प लेते हैं कि आने वाली एकादशी से हम व्रत करेंगे। कल ही है, ज्यादा दूर भी है, कल ही है एकादशी। तो अच्छा तो हाथ उठा के बताओ कौन करेगा, आप करते नहीं अभी तक। भाई वाह, जो जो जरा एक बार दोबारा उठाओ, गुरुदेव कह रहे मैंने देखा नहीं, आप बताओ कौन कौन कल एकादशी व्रत रखेंगे। हाथ कोई पापा के हाथ नहीं उठा रहे, क्या चक्कर है, सब अगर हाथ डालो, संकोच मत करो। हरे कृष्णा, जिसने भी हाथ देखो, आपने ना हाथ ऐसे उठाया है यानी अपनी हथेली गुरुदेव को दिखा दी। अब आपने संकल्प कर लिया कि मैं कल से एकादशी का व्रत अवश्य करूंगा या करूंगी, तो इसलिए कल से एकादशी का व्रत आप कर लीजिएगा। और करने में कुछ हानि भी तो नहीं है, और व्रत करो, मंगल का व्रत करो, आप पता लग जाएगी मिठाई मीठा मिलेगा खाने को, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एकादशी के व्रत में तो इतनी सारी चीजें खाने में मिलती हैं, आप एकादशी का व्रत करिए और इस भाव सागर से पार पाने का रास्ता सुदृढ़ कर लीजिए। बस इतनी बात कहते हैं भगवान के विराम श्री राधा रानी।
का भजन Thank you.
नारद जी भगवान के पास में जा रहे हैं। मतलब प्रभु जी आप ये बताओ, ये साधु संघ की क्या महिमा है, ये सत्संग की क्या महिमा है। इतने में भगवान कहते नारद जी, अगर ये साधु संघ की महिमा समझना चाहते हो, एक काम करो, जंगल का अमूक स्थान पर जाओ, देखो कि वहां पर एक गिरगिट भी है, वो गिरगिट साधु संघ की महिमा बताएगा। बोले ठाकुर जी गिरगिट क्या बताएगा, तो जाकर देखो सचमुच से जंगल में जाकर गिरगिट है। तब उन्होंने पूछा गिरगिट जी बताओ, ठाकुर जी ने आपको पास में भेजे, ये सत्संग की क्या महिमा है। आप लोग गिरगिट देखे आपको किस्सा हिलाया, जब उन्होंने दो तीन बार पूछा पूछते ही वो गिरगिट वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया। तो बोले भैया ने शरीर छोड़ दिया, ये सत्संग की क्या महिमा बताएगा। तो ठाकुर जी वो पास में वापस आए, पर ठाकुर जी उसको तो उसके उसने शरीर छोड़ दिया। ठाकुर जी बोले एक काम करो, तुम जंगल के अमुक स्थान पर जाओ, देखो कि वहां पर ये तोता है, ये तोता तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा। सतमुख से जाकर देखा कि तोता है। बोले ठाकुर जी तुम्हारे पास में भेजा है, तुम सत्संग की महिमा बता। जब दो तीन बार बोलते ही सत्संग महिमा, वो तोता भी शरीर छोड़ दिया। बोले भैया ये भी आप क्या बोलता है, जिसको जिसको पास में जाता है वही शरीर छोड़ देता है। वापस आए, बोले ठाकुर जी दो दो प्राणी हमसे अपने भरवा डाले, बताओ सत्संग की क्या महिमा। बोले तुम एक काम करो, अमुक स्थान पर जाओ, एक गैया ने बछड़ा जन्म दिया, ये बछड़ा सत्संग की महिमा बताया। जब वहां जाकर के पूछते ही वो बछड़ा भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये क्या हो रहा है, जिसको पास में जाए वही शरीर छोड़ देता है। फिर वापस आया, बोले ठाकुर जी आप जिन जीवों को पास में भेजते हो वो सबके सब शरीर छोड़ देते हैं, आप बताओ ना सत्संग की महिमा क्या है। बोले तुम लास्ट एक बार जाओ, दो बार तुमको जाना जरूरत नहीं। बोले बताओ, बोले अमुक स्थान पर जाओ, एक राजा का एक बेटा जन्म लिया है, वो बेटा तुम्हें साधु संघ की महिमा, वो बेटा तुमको बताएगा। बोले पता नहीं अगर बेटा मर गया तो राजा जेल में बंद कर देगा, इसलिए वो डरते डरते गए। सचमुच से देखा राजा के आगे बेटा जन्म हुआ है। तब उन्होंने पूछा, जब वहां पर जाते ही बोले भैया बताओ सत्संग की क्या महिमा। इतना बोलते को बेटा रोना शुरू कर दिया, नारद तो डर के हो गया था, लगता कि भी अपना शरीर छोड़ दिया, नारद तो वहां से भगे वहां से। इतने में वहां पर जो दास दासियां थी वो भागते भागते राजा के पास में गई। बोले महाराज आपका जो बेटा है ना रोना शुरू कर दिया, लेकिन वो जन्म से ही वो बच्चा था कूंगा। अब देखना जब बच्चा जन्म लेता है, अगर वो बच्चा नहीं रोता मतलब वो गूंगा बनता है, इसलिए अगर जन्म लेके रोता नहीं ना, पिता माता उसको थप्पड़ मार मारे मिल जाते हैं। अगर बच्चा नहीं रोता तो मेरे परिवार रोता है, लेकिन अभी तक उस था गूंगा। लेकिन वो नारद जी को दर्शन करते पुण्य फल से वो गूंगा पर उसको खत्म हो गया और उसे रोना शुरू कर दिया। बोले महाराज बच्चा रोना शुरू कर दिया मतलब गूंगा पर खत्म हो गया। बोले कैसे, बोले एक संत आए हुए थे, वो संतों को दर्शन मात्र से ही उसका गूंगा पर खत्म हो गया। बोले भैया जल्दी जाओ वो संत को बुलाओ। और नारद जी भागे, बोले बाबा रुक जाओ रुक जाओ। नारद ने हो गया लगता है ये बच्चा का नाम नाम सत्य हो गया, मुझे से आप जेल में बंद कर देंगे। इसलिए नारद जी को बोले बाबा रुको रुको। नारद जी बड़े कष्ट से रुके, बोले आपको महाराज बुला रहे हैं। जब उन्हें आए राजा को स्वागत किया, चरण धोए चरण लगाए, बोले महाराज, बोले बाबा मेरा बच्चा जन्म से ही वो गूंगा था, लेकिन वो आपको दर्शन मात्र से ही उसका गूंगापन खत्म हो गया है, आपकी कृपा है। इतने में वो बच्चा जो पूछा आप बताओ ये साधु संघ की क्या महिमा। देखो राजकुमार क्या कहता है, बोले अभी तो नहीं समझे। बोले नहीं, बोले बाबा जब सबसे पहले राजा आपको भगवान ने भेजा गया गिरगिट को पास में पहले जन्म में, माता जी बात मत करो चुप बैठ, पहले जन्म में गिरगिट था, लेकिन वो गिरगिट था लेकिन आपको दर्शन मात्र से ही
कहते पुंसम अखनों सभी दुर्गता, जैसे सूरज उदय होने पर अंधकार अपने आप हट जाती है। जब हम संतों को दर्शन करते हैं, संत दर्शन मात्र से ही हमारे हृदय की जो अज्ञान है वो अज्ञान सबके सब समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको दर्शन करते ही वह सारे पाप खत्म हो गया और मैंने दूसरे जीवन में तोता बन के लिए जन्म लिया। फिर आपको आप तोता को पास में भेजे, लेकिन जब फिर आपको दर्शन किया, दर्शन मात्र से ही मेरा तोता शरीर में छोड़ दिया, मैंने फिर मैंने ये गैया क्या बछड़ा बन के लिया है। लेकिन फिर आपने दर्शन किया, दर्शन मात्र से ही मेरा सारे पाप खत्म हो गई और उसको बाद में मैं ये राजकुमार बन कर जन्म लिया। लेकिन राजकुमार बन कर जन्म लिया, लेकिन जन्म सही में था रखूंगा। लेकिन जब फिर आप आए, जब फिर मैंने आपको दर्शन किया, दर्शन करते मेरा वृंदावन भी खत्म हो गया, सारे पाप कड़ी धूल गए, मैंने सही रखे। इसलिए जो साधु संत का जो महिमा है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बल बिनो सत संग विवेक न होइ। अगर जीवन में सत्संग मिल जाए तो क्या सबको हम हनुमान के यहाँ बैठे ना। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए, जब विभीषण से उनको साक्षात्कार हुई, जब विभीषण ने देखा ये हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भगत श्री हनुमान, इसलिए कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम के चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम की चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम की चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम की चले ना हनुमान के बिना। उनको पता चला हनुमान जी कौन है, राम के सबसे प्यारे भगत श्री हनुमान लाल जी। जब विभीषण को ये बात पता चला, विभीषण क्या कहता है, आज कोई महा भरोसा हनुमंता और बिनो हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, रघु जो रघु गुरी कोई अनुग्रह के लिए तो कोई दरस लगता है, आज मेरे ऊपर में प्रभु राम की कोई विशेष कृपा हो, तो मैं कभी भी सोच नहीं सकता था जहाँ पर चारों तरफ के राक्षस से घिरे हुए उसको बीच में राम के सबसे प्यारे भगत श्री हनुमान का दर्शन हो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए ऐसे लगता है अभी प्रभु राम मिलने में हमें बड़े कोई देर नहीं लगेगा, प्रभु राम हमें जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। इसलिए जीवन में जब सत्संग हमें मिल जाए ना, क्या सबको भगवान हमें मिलने में और कोई देर नहीं, ठाकुर जी हमें जरूर जल्दी से जल्दी हमें ठाकुर जी मिलेंगे। देखो इसका प्रमाण, देखो देखो ये दो लड़की बैठी थी, क्या नष्टांगम हरिओ, क्या नष्टांगम, ये दोनों को देखो,
ये दोनों कहाँ से आए बताए आपको? ये दोनों लड़कियां आई रसिया से, ये दोनों रसिया से आई। हम लोग तो भारत के कहीं कहाँ के कहाँ के भारत के हैं, लेकिन कोई क्या हमारी नजर नहीं, हम जो भारतीय पर हिंदू कोई चिन्ह दिखा सकता आपको शरीर के लिए? हम जो कहते हैं अपने आप हिंदू, आप लोग कौन है? हिंदू ना मुसलमान है? बोलो जोर से, क्या लक्षण तुम्हारे अंदर में हिंदू है? क्या गलत उपाय करते है क्या? कोई तिलक लगा क्या है? कोई चोटी रखे हो क्या? भगवान की माला जब करते हो सब हिंदुओं का लक्षण है? कोई लक्षण है तुम्हारे शरीर में? केवल नाम के हिंदू रह गए, लेकिन सब मुसलमान और क्रिश्चियन हो। लेकिन देखो ये विदेश में होते हुए भी ये विदेश के हैं, लेकिन देखो इन गले में थोड़े से कहते देखो तिलक लगा है, हाथ में भगवान की माला जप कर रहे, देखो हाथ में भगवान की माला जप करते हैं। अगर हम किसी हिंदू को यहाँ पर पूछे जो बात पर गए गीता का कोई श्लोक हो, बच्चे बोल सकते हो गीता का श्लोक? देखो एक एक लड़की बोल रही है जिसे जला में तुलसी करती है, तुम लोग बोल सकते हो? बता तुमको कौन हिंदो का नाम क्या, कौन हिंदो का क्या नाम सुनिया? सारे उल्टा उल्टा चीज को हम याद करते थे, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति में गीता का कोई भी श्लोक हमें याद नहीं, कोई भी श्लोक। अरे केवल अभिमान करते हैं हम हिंदू हिंदू, इनको पूछो ना गीता सुनाने के रामायण सुना दे, लेकिन हम लोग हिंदू होते हुए भी कोई भी गीता की कोई रामायण की कोई चौपाई हमें याद नहीं। अगर हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन भैया रामायण तो पढ़ो कम से कम, भागवत तो पढ़ो, तो गीता तो पढ़ो है, गीता तो पढ़ो, इससे कोई हमारे मतलब नहीं। इस चीज में सारे उल्टा सीधा चीज को हम याद करते बैठे हुए, देखो ये मैंने विदेश में रसिया में है, लेकिन ये अभी भारत में कैसे आए, गले में करते मिलन कैसे लगाए? क्योंकि वो वहां रहने पर भी उनको वहां साधु संघ मिला, वहां पर उनका संतों का संघ मिला, विदेश में होते हुए भी वो जो संतों को संघ मिला है उसकी प्रभाव से ये सब के सब भक्त होते हैं। इस सब के सब रसिया में ये जहाँ पर रहती है ना रसिया में, वहाँ के लड़कियाँ केस कर रहे हैं सरकार से, यहाँ तो क्या केस कर रहे हैं, बोले हम साड़ी पहन करके कलेज क्यों नहीं जा सकते? ये केस कर रहे हैं हम साड़ी पहन करके क्यों नहीं जाएंगे कलेज, लेकिन हमारे भारत में लड़कियाँ कहते हैं जीन्स पहन करके क्यों कलेज नहीं जाते, जीन्स पहन करके हम कलेज क्यों नहीं जाएंगे? देखो कितना, देखो विदेश में होकर कैसे धोती कैसे सूट सलवार और कैसे उन्होंने लहंगा चुगल कैसे पहने, शरीर को करके से कपड़ा रख कर लगे, क्योंकि उनका भक्तों का संग हुआ है विदेश में, इसलिए हमें ये सब चीज को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना? क्या करनी चाहिए? गीता रामायण भागवत हम हिंदू है ना, तो इसको हमें याद करनी चाहिए सब चीज को। अभी अब तो हमारे वृंदावन में कौन कौन आएगा? वृंदावन में हाथ उठाओ तो वृंदावन में कौन कौन आए? देखो वहां पर अंग्रेजी मंदिर में जाना, अंग्रेजी मंदिर में सब लोग ध्यान देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को देखना, जैसे तिलक कंठी माला छोटे छोटे बच्चे हैं उनका नाम को पूछो, गीता पूरा का पूरा गीता भागवत उनको याद करते हैं, इसलिए वो लोग हमारी संस्कृति को ले रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं ना, विदेशियों का रहना सहन खान पान अभी हम उसको नकल कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमारी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, वो चीज हमारी वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं हम हिंदू है ना, कभी लिखा रामायण हमें पढ़नी चाहिए, इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा साधु संघ की है, इसलिए आप लोग सबके साथ गीता रामायण भागवत पढ़ो, हमारी हिंदू संस्कृति को जरूर आप लोग रक्षा करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
ये हनुमान आप तुलसीदास रामायण को पढ़ करके देखिएगा, हनुमान सुख खुद कहते हैं अगर कोई सवेरे उठ करके मेरे नाम को ले ले, कोई सवेरे उठ करके मेरे मुंह देख लेना, मैं ऐसे जात में जन्म लिया हूँ कोई भी दिन भर आप भूखे रहो, हनुमान जी कहते हैं। सवेरे उठ करके मैं जिस कुल में, हनुमान जी कौन से जात में जन्म लिए हैं? बंदर, बंदर जात में जन्म लिया ना। हनुमान खुद कह रहे हैं मेरे नाम पर मुंह देख के अगर दिन भर तो भजन नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं पर ये घर घर में बड़ी पूजा क्यों हो रही है, कारण क्या है? बोले कारण है मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मैं राम की में भक्ति करता हूँ। और हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं? बोले रघुपति राम राजा राम पति का पावन सीताराम जय रघुपति राजा राम पति का पावन सीताराम जय रघुपति राम I'm
जिन
भैया दिल्ली कमजोर है ना, वो प्रभु का नाम नहीं ले सकते हैं। इसलिए भैया दिल वाला कौन बनना चाहते हैं आप बताओ, दिल वाला कौन बनना चाहते हैं? अगर दिल वाला बनना चाहते हो क्या करो, भगवान की नाम को जप करो, भगवान की नाम को जप करो। जगत में सबसे बड़ा जो पद है जगत में, आपको ही जगत में सबसे बड़ा पद मिलेगा। और अंतिम समय में काम आएगा तो हमारे जीवन में क्या काम आएगा, जगत में कोई चीज हमारी काम में नहीं आएगी है। अंतिम समय में जब शरीर छूट जाएगी, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे हाथी को करके, क्या सुना तो सुना ले जाते हैं, सुने वो को क्या सुना तो सुना ले जाते हैं, बोलो जोर से क्या सुना। यही कहते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, सब कोई बात होता है, सुनाते ना। मतलब क्या है कि बेटा जीवन में तुमने जितने राम का नाम, जितना कृष्ण का नाम लिए हो, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ लिए हो जीवन में तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ में नहीं जा रहा है, सब कुछ तुम यही पर छोड़ कर गया है। इसलिए साथ में केवल प्रभु का नाम ही जाएगा और हमारे साथ में कुछ जाने वाले नहीं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है जीवन रहते रहते भगवान की हमें नाम जप करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी मेरे साथ साथ बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार अंतिम समय पर जब चार व्यक्ति मरने के बाद में कंधे पर लेकर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अर्थात भगवान का नाम जो हमने पूरे जीवन लिया है एकमात्र वही साथ में जाएगा और उसके अलावा कुछ साथ में नहीं जाएगा। एक कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करो। एक राजा था, उसकी चार रानियां थी। सबसे पहली रानी जो थी वो बड़ी, उससे राजा बड़ा ज्यादा प्रेम करता था, राजा को सबसे ज्यादा वही प्यारी थी। उसको जो भी डिमांड होती थी, जो कुछ भी वो मांगती, राजा उसको लाला कर उसकी सारी डिमांड पूरी करता, ठीक है, सबसे ज्यादा उससे प्रेम करता था। उसकी दूसरी रानी थी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी, देखने में बड़ी सुंदर थी। जब भी राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकलता तो उस रानी को रथ पे पास में बैठा लेता और पूरे राज्य में दिखाता कि देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है। तीसरी उसकी जो रानी थी, तीसरी रानी देखने में तो सुंदर थी, उसके साथ साथ में बातें भी बड़ी मीठी मीठी करती थी। जब भी राजा थोड़ा दुखी होता, उसको मन की कोई बात कहनी होती तो वो उसी रानी के साथ में बात करता जो तीसरी रानी थी। और चौथी उसकी एक रानी थी, उस चौथी रानी से कुछ खास मतलब नहीं रखता था कुछ ज़्यादा कर, जब से शादी करके उसको लेकर आया कभी उससे कुछ खास बात नहीं करी, उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है या नहीं ये भी उससे कभी पूछा नहीं। अभी राजा का जब अंतिम समय में आया
उसको जब मरना से स्थिति पर था, वो मन ही मन विचार कर रहा है कि देखो मेरी चार चार रानियां हैं और मैंने पूरे जीवन भर इनकी सेवा तो करी ही है, तो मैं क्या करता हूँ इनसे पूछता हूँ देखिए कौन मेरे साथ में जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली रानी कौन सी थी जिसको सबसे ज्यादा राजा प्रेम करता था, जिसको सारी डिमांड उसकी पूरी करता था, जिसको जो भी चीज जरूरत होती थी राजा ला कर देता था। तो उस रानी से पूछा कि देखो रानी मेरा अंतिम समय आया है, क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? तो उस रानी ने कहा कि मैं तेरे साथ में एक कदम भी नहीं चलूंगी। अब ये सुन के तो राजा को बड़ा झटका लगा, बोले पूरे जीवन मैंने तुम्हारी सारी सेवा करी, तुम्हें जो चीज भी डिमांड करती थी वो सारी डिमांड मैंने पूरी करी। तो बोला ये तेरा कर्तव्य था? बोले तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? बोले नहीं, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ये पहली रानी ने राजा को बड़ा धोखा दिया और उसे बड़ा दुख हुआ। जब दूसरी रानी उससे पूछा, दूसरी रानी कौन थी जो देखने में बड़ी सुंदर थी, तो दूसरी रानी से राजा ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ में चलोगी? तो उस रानी ने तो क्या कहा उसको सुन के राजा के पूरे होश ही उड़ गए। और रानी बोलती है, बोले मैं सोच रही हूँ तुम कब मरोगे और मैं किसी और से शादी करूंगी। ये बस ये सुनना था और राजा तो आश्चर्य में पड़ गया, बोले क्या बोल रही है, मैं कब मरूंगा और कभी दूसरे शादी कर देगी? और रानी बोलती है, बोले हाँ तूने तो मुझे पूरे रथ में बिठा के पूरे राज्य में दिखाया है ना, मैं देखने में भी इतनी सुंदर हूँ, मैं जहाँ भी जाऊंगी वो मुझे पसंद कर लेगा, मैं शादी कर लूंगी। तो राजा को बड़ा दुख लगा। अभी तीसरी रानी से पूछा, जिससे वो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, तीसरी रानी से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो ये थोड़ी सी अच्छी निकली, ये बोलने लगे कि राजा तुम्हारे साथ तो नहीं चलोगी, लेकिन ज्यादा कहोगे तो चार दरवाजे तक चल सकती हूँ। बोले दरवाजे तक चलना भी कोई चलना होता है? बोले ज्यादा कहोगे तो चार कदम तो आगे तुम्हारे साथ में चल सकती हूँ, लेकिन पूर्ण रूप में साथ नहीं जाऊंगी, ये भी साथ नहीं चलेगी। राजा को ये सुन के बड़ा दुखी हो गया। अभी जो चौथी रानी थी, जिसको पूरे जीवन भर नेग्लेक्ट करके रखा, जिससे पूरे जीवन कभी बात नहीं करी, पहले तो विचार कर रहा था इससे पूछूंगी नहीं, भैया जिसके लिए कुछ करते हो उसी से तो पूछोगे, पूरे जीवन तो कुछ किया नहीं और अंतिम समय पर साथ में जाने के लिए क्यों पूछ रहे हो? फिर भी बेशर्मों की तरह पूछ लिया। बोले रानी देखो मेरा अंतिम समय आया है, तुम मेरे साथ में चलो। अभी रानी बिल्कुल भड़क पड़ी, बोले तुमको शर्म नहीं लगती है? पूरे जीवन भर तो मेरी तरफ देखा नहीं और अभी अंतिम समय पर बोल रहे हो साथ में चलने के लिए। बोले रानी मैं सोच रहा था नहीं पूछूं, लेकिन क्योंकि तुम मेरी धर्म पत्नी हो तो तुम बताओ मेरे साथ में चलोगी? तो ये चौथी रानी ही सबसे अच्छी निकली। ये क्या बोलती है? बोले देखो राजा मैं तुम्हें दिल से प्रेम करती हूँ, मैंने तुम्हारी पूरे जीवन भर तुम्हारी सेवा के उद्देश्य से ही तुम्हारे राजमहल में रही और तुम्हारे साथ में मैं चलूंगी, सुख में तुम्हारे सुख में सुखी रहूंगी, तुम्हारे दुख में दुखी रहूंगी, मैं ही तुम्हारे साथ में चलूंगी। अभी देखो ये राजा जिसकी ये चार रानियां थी, ये राजा कौन है? ये राजा है हम, और हम सबकी ही चार चार रानियां हैं, हम सबकी ही चार चार रानियां हैं। कैसे? समझो इस बात को बड़े ध्यान से। जो पहली रानी थी जिससे राजा सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी सारी डिमांड पूरी करता था, वो कौन है? वो है हमारा ये शरीर, हम जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। संसार में यद्यपि दिखता है कि हम हमारे पुत्र से बहुत प्रेम है, हमें हमारे पति से बहुत ज्यादा प्रेम है, लेकिन देखो जब अंतिम समय आता है ना, हमको सबसे ज्यादा हमसे ही प्रेम है, क्योंकि इस शरीर को सब सेवा कर रहे हैं। अगर पति हमें ला ला कर रोज हमेशा महीने के महीने तनख्वाह देता है, हमें खाना पीना देता है, सब चीज हमारा मेंटेनेंस करता है, इसलिए उससे प्रेम है। वही पति यदि मारने कूटने लग जाए तो तुम चलो अपने घर, हम चले अपने घर। सच है कि नहीं? हमें सबसे ज्यादा प्रेम तो अपने शरीर से ही है, जो हमारे इस शरीर के अनुकूल होते हैं उससे हमारा प्रेम रहता है, और जो हमारे शरीर के प्रतिकूल हो जाते हैं, अरे हमारे शरीर का एक अंग ही यदि पैर में फोड़ा हो जाए, पैर गलने लग जाए, सड़ने लग जाए, तो हम इस पैर को भी काट के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अब अनुकूल नहीं है, है ना? तो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रियकर तो हमारा ये शरीर ही है, और इस शरीर की जो भी डिमांड होती है हम उसे पूरा करते हैं। ये शरीर जब जब जैसी जैसी इच्छा करता है हम इसे पूरी करते हैं। शरीर मांगता है सर्दियों में गर्म कपड़े पहनो, च्यवनप्राश खाओ, शर्म वैसा का वैसा ही करते हैं। गर्मी में एसी में सो, कूलर चलाओ, उसकी डिमांड पूरी करते हैं कि नहीं? ये बोलता है कि वहां पर बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं, चलो गोलगप्पे खाने जाएंगे। ये शरीर जैसी जैसी मांग करता है वैसी वैसी मांग हम इसकी पूरी करते हैं, लेकिन हमारा जब अंतिम समय आएगा तो क्या ये शरीर हमारे साथ में जाएगा?
शरीर साथ में जाएगा नहीं जाएगा? गोस्वामी जी कहते हैं जब हंस अकेला, जब हंस खुद चला जाएगा ये पिंजरा पड़ा रह जाएगा, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाता है जब आत्मा इससे निकल के चली जाती है ना। तो ये शरीर है पहली रानी, ये कभी भी हमारे साथ में जाएगा नहीं, एक कदम भी साथ में नहीं जाएगा। जो दूसरी रानी थी, जो देखने में बड़ी सुंदर थी, वो दूसरी रानी है हमारा पैसा, जो हम दुनिया को बड़ा दिखाते हैं। जैसे कोई फंक्शन होगा, बढ़िया से बढ़िया साड़ी पहन के जाएंगे, बढ़िया गहने पहन के जाएंगे, बढ़िया गाड़ी में आएंगे, क्यों? दिखाने के लिए लोगों को, देखो हमारे पास कितना पैसा है कि नहीं? लोग अपने ऐश्वर्य को दिखाते हैं इस जगत में, लेकिन जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये पैसा सारा यहीं की यहीं धरा रह जाता है। कौन कौन अपने साथ में पैसा लेकर गया आज तक, जिसकी मृत्यु हुई है? एक फूटी कौड़ी भी कोई अपने साथ में लेकर गया? जितना पैसा जीवन भर कमाया वही पैसा अंत में यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। कई कई बार तो वो पैसा, उस रानी ने क्या कहा था कि कब तुम मरोगे और कब मैं दूसरे से शादी करूंगी, है ना? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसका पैसा तो झट बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है, हाँ कि ना? अगर तीन चार बच्चे हो तो पहले बंटवारा होता है, बाद में अर्थी उठती है। कई कई पर तो ऐसे भी केसेस हुए हैं, बोले भैया अर्थी बाद में उठेगी, पहले बंटवारा कर दो। पिताजी यदि बंटवारा करके ना जाए तो पहले तो पैसा बंटता है, बाद में अर्थी उठती है। तो ये पैसा क्या है? ये दूसरी रानी जिसे हम पूरे संसार को दिखाते हैं, ये हमारे साथ में अंतिम समय पे नहीं जाएगी, ये भी जड़ दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, दूसरे से शादी कर लेगी ये रानी भी। जो तीसरी रानी जिससे वो राजा बड़ी दुख सुख की बातें करता था, वो कौन है? वो है हमारे पुत्र परिजन, हमारे परिवार के लोग, जिनसे हम सब समय हमारी दुख सुख की बातें करते हैं, है ना? जब भी दुखी होते हैं तो उनसे हंसते खेलते बातें करते हैं, मन शांत हो जाता है, वो एकमात्र हमारे साथ में रहते हैं। लेकिन अंतिम समय में देखो ये भी कोई साथ में नहीं जाने वाला। पत्नी रोती रोती दरवाजे तक जाएगी, बेटा बेटी ये सब लोग शमशान घाट तक जाएंगे, है ना? और वहीं से टाटा बाय बाय करते करते वापस अपने घर पर आ जाएंगे, है ना? तो इसलिए बता रहे हैं ये तीनों रानियां जो पहली तीनों रानियां थी, ये कोई भी साथ में जाने वाली नहीं है। लेकिन चौथी रानी, बहुत ध्यान से सुनो, चौथी रानी जिसको राजा ने सब समय इग्नोर करके रखा, जिसके प्रति कभी भी ध्यान नहीं दिया, वो रानी कौन है? वो रानी है भगवान का भजन, भगवान का नाम, जिसके प्रति अभी हमारा कोई भी आग्रह नहीं है। बताओ एक बार विचार करके देखो, सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या एक बार खोज के देखो, कितना समय हम भगवत भजन को देते हैं और कितना समय इन तीन रानियों के प्रति हम व्यतीत करते हैं। सब अपनी दिनचर्या जानते हैं, कितना समय हम भगवान के भजन को देते हैं, जाएगा अंतिम समय पर ये एकमात्र भगवान का नाम ही, भगवान का नाम, राम नाम सत्य है। अर्थी उठते हो कहते हैं राम नाम सत्य, जितना भगवान का नाम ग्रहण किया है वो तो साथ में जाने वाला है, और धन दौलत पुत्र परिवार इत्यादि ये सब तो यही रह जाएगा। लेकिन हमारा प्राय समय तो जा रहा है इन तीनों के भरण पोषण में, और जो अंतिम रानी है चौथी, उसके प्रति कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसके प्रति कोई ध्यान नहीं है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। अरे भैया जो अंतिम समय जाने वाला है उसके प्रति ध्यान दो ना, उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। इसलिए मीराबाई क्या कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आप जानते हो ये सारे भजन, किस प्रकार मीराबाई शिक्षा दे रही है कि यदि कुछ धन साथ में जाने वाला है तो वो है ये राम नाम, कृष्ण नाम। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जो लोग नहीं बोले हैं वो इस बार दोबारा बोले, कुछ अगर नुकसान होगा तो मैं खड़ा हूँ, मैं आपका भरपाई कर दूंगा, कुछ फायदा होगा तो सब आपका। बोलिए जोर से, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, देखो यहाँ पर हम गुरुदेव की भागवत हुई थी, तो भागवत होने से क्या होता, उस समय पर काफी लोग आए थे, काफी लोगों ने हरि नाम लिया, गले में कंठी भी पहनी। श्रीमद् महाप्रभु बतलाते हैं, देखो ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए
भक्ति लता बीज। जब हम सत्संग में आते हैं, साधु संत करते हैं, तो क्या होता है, सत्संग के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर एक भक्ति का बीज चला जाता है ना। जैसे आप लोग पौधा लगाते हो, जमीन में अगर बीज दिया है तो बीज देने के बाद में क्या, बस छुट्टी, और कुछ नहीं करना पड़ता, उसको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा ना, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। उसी प्रकार जैसे सत्संग के माध्यम से आप सभी के हृदय में वो भक्ति रूपी बीज तो मानो गया होगा, लेकिन हरि कथा श्रवण कीर्तन के माध्यम से पुनः सत्संग करके यदि उसको खाद नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, तो क्या होगा, वो बीज से पौधा नहीं निकलने वाला है ना। वो यदि पौधा थोड़ा बहुत निकला भी होगा तो वो सूख जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ये भगवान का नाम, ये कथा कीर्तन, ये क्या है, ये है पानी, ये है खाद। यदि इसको समय समय बार 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 यदि उसको पानी ही देते रहोगे, यदि उसका सिंचन करते रहोगे, तब तो हमारी भक्ति लता बीज ये बढ़ती रहेगी, भगवान के चरणों में हमारा अनुराग बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर सत्संग नहीं करोगे, भगवान का नाम जप नहीं करोगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए एकमात्र कलयुग के लिए भगवान ने बड़ा ही सहज उपाय बताया है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। आप सभी से अनुरोध है, इस भगवान के नाम का जप करते हुए अपना जीवन सार्थक कीजिए, और सद्गुरु चरण आश्रय लेते हुए भगवान का नाम, जैसे बंदूक की गोली देखिए, बंदूक की गोली देखी होगी ना, इतनी सी होती है, अगर मैं उसको यहाँ से उठा के किसी को मारूं तो लगेगी, थोड़ी बहुत लगेगी, लेकिन वही बंदूक की गोली अगर बंदूक में फिट करके और कोई फायर करे, क्या सीने से आर पार हो जाएगी, जान ले लेगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान का नाम अगर खुद ही खुद ग्रहण कर रहे हो अपने आप से, तो वो लाभदायक तो है, लेकिन यदि वही भगवान का नाम किसी सदगुरु से प्राप्त हो तो वो क्या करेगा, वो एकदम बंदूक की तरह काम करेगा। इसलिए आप सब चरण सबके सबसे मेरी प्रार्थना है, भगवान का नाम ग्रहण करके और अपना जीवन सार्थक कीजिए। गौरव प्रेमानंदे चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, चैतन्य महाप्रभु को एक दिन चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, राधा कृष्ण दोनों मिलकर के चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए और स्वयं एक संत बन करके हमें कैसे ठाकुर का भजन पूजा करनी चाहिए वो अपना जीवन में ही इसको दिखाया। भगवान की भक्ति हमें कैसे, प्रभु का नाम कैसे जप करनी चाहिए। तब एक समय उनका भक्तों ने महाप्रभु से बोले, बोले प्रभु हमारे घर में आपका भोजन है। लेकिन महाप्रभु एक अच्छी शिक्षा देने के लिए बोले, देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति में करते। आज से 5,500 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 सोने का मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु तो लाख की बात छोड़ो, हमारे घर में 1,000 रुपया भी नहीं, बोले 1,000 की बात छोड़ दो, हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं। 100 रुपया मतलब क्या, 100 स्वर्ण मोहर। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। अरे महाप्रभु सबको बैठा करके समझाते, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन, बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं वो असली लखपति है। आप लोग मेरे तरफ में देखो, आप लोग लखपति कैसे बनोगे, मेरे तरफ में ध्यान देकर देखो, ये भगवान स्वयं ये बात को ठाकुर जी कह रहे हैं। आप लोग देखो मेरे तरफ में, जैसे ये माला है, ये माला में 108 मूर्ति है। जब ये माला को हम जप करते हैं अच्छे तरह से देख लो, ये अंगुल को हम स्पर्श नहीं कराते, क्यों, ये गंधा अंगुल सबसे पहले ये निकलता है ना, तेरे को मैं देख लूंगा तू मेरे को क्या समझते हो, सबसे पहले ये निकलता है, ये अहंकार का प्रतीक। इसलिए ये अंगुल को हम ऐसे बाहर निकाल कर रखते हैं, और ये बीज वाला अंगुल को अगर रख करके जैसे हरे कृष्ण, मेरे साथ सब बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सरकार दे, अरे दो बार बोल कर दो मोती, तीन बार बोल कर तीन मोती हैं, करते करते जब यहाँ समाप्त हो जाए, जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, ध्यान से देखो ये अंगुल को उसको पार नहीं करनी चाहिए, ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये रास लीला नहीं, ये माला नहीं, प्रभु का रास लीला है। इसलिए राधा कृष्ण भी यहाँ पार नहीं करते, इसको ऐसे घुमा देते, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करते हैं। देखो 1,00,000 कैसे होगा,
जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया है। इसमें 108 मोती हैं। अगर इसको 16 राम को अगर हमने कर लिया कर दिए 25,000 हो गया। अगर इसमें 64 राम को माला कर लिया तो 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं बोले तुमने 1,00,000 माला नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 फीस डिपॉजिट हो गई। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं बोले भैया अगर कहीं फीस डिपॉजिट कर तो ब्याज कितना मिलेगा, कहते ब्याज कितना मिलेगा। हीरा कहती है दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन पायो। आज अगर 1,00,000 किया ना हीरा कहती है कल तो 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000। और यही धन ही तुमको अंतिम समय में पूरा जो पूरा जब ऊपर जाओगे चित्रगुप्त के तो काफी को लग ना है तो माला ही माल वहां पर मिलेगा, माला ही माल मिलेगा है। इसलिए कबीर कहते हैं जगत में मरने में सब डरे मेरा मन आनंद। कबीर दास कहते हैं जगत में मरने के लिए सब डरते हैं। बताओ कोरोना आया था ना सबको घर में बंद कर दिया, घर से निकल रहे थे। इसलिए कहते जगत में मरने के लिए सब डरते हैं लेकिन मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। किसने कहा कबीर ही आप खुश क्यों हो रहे हो, तुम कितना अच्छी बात कहते हैं। बोले जगत में सब मरने के लिए सब डरते तुम खुश क्यों हो रहे हो, बोले इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ मैं जिंदगी भर मैंने प्रभु का माला जप किया है। मैंने जिंदगी भर प्रभु का माला जप की मेरे को पता है जो ऊपर जाऊंगा ना ए माला ही माल वहाँ पर एकदम चित्रगुप्त तो काफी खुलेगा तो माला ही माल वहाँ पर मिलेगा है इसलिए मेरे खुश हूँ। कहते साधारण व्यक्ति डरते हैं क्यों, बोले इसीलिए डरते हैं क्योंकि जीवन में प्रभु का भजन नहीं किया। जीवन में प्रभु का भजन नहीं किया उसको 84 लक्ष जो भी भ्रमण करना पड़ेगा और 84 नरक में उसको भोगना पड़ेगा। इसीलिए सबके सब डरते हैं। अगर जीवन में जो प्रभु का भजन किया होगा कभी उसको डर भर नहीं रहे, ठीक है ना। आप बताओ जो 4 बहुओं की जो कथा सुनाई सबसे कौन सा बहुओं को आप पसंद करोगे, बताओ बोलो सबके सब कौन सा बहू को सबसे ज्यादा प्रेम करोगे, बोलो जोर से बोलो। अरे बोला हमारे भक्त को जानते हैं हम नए जो नए नए भक्त कौन सा बहू को चार जाने को ना चौथी ना चौथी क्या है भगवान की ना जो साथ में जाएगा। इसका मतलब आज से प्रभु का भजन करना शुरू कर दो। कितना कल कर सो बोलो कल कर सो आज करो और आज कर सो हाँ बोले कल में पढ़ाई होगी बहुरी रहेंगी का। इसलिए ये जो जीवन है कहते कमल जला जला जीवन डाला वाला जैसे कमल पत्ते के ऊपर पानी रखना वो किस समय में गिर सकता है ये जीवन में भी किस समय में नष्ट हो सकता है। इसलिए क्या करो जल्दी से जल्दी भगवान की नाम को जप करना शुरू कर दो, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एक माला लाई हूँ यहाँ के भक्त लोगों को एक एक माला लाई हूँ जिसकी इच्छा होगी ना हम भी ये माला जप करेंगे। कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई अगर कोई दिल वाला हो सबके सब एक एक माला लेकर भजन करना कौन कौन जप करेगा माला उठा जब नए लोग जब यहाँ के जो रहने वाले हैं वहाँ हमारे साथ में सबके सब आए इसे गोपियाँ हमारे साथ में यहाँ पर जो रहते हैं हाथ उठाओ। देखो हाथ डर लगता है डरने नहीं चाहिए सबके सब प्रभु की भजन में लग जानी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये कीर्तन कथा के बाद में आप लोग एक माला लेकर जप करना, बच्चों को भी माला जप कराओ, परिवार को माला जप कराओ। जिस घर में भगवान की भक्ति पूजा होता है वो घर नहीं वही घर भगवान का धाम हो भगवान की धाम बन जाएगा, ठीक है। एक बार हाथ में रखने की कोई भजन बढ़िया बनेगा बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ देखो हमारे बात बन के जो भक्त लोग हैं ये सत्संग को जिन लोग ने व्यवस्था की है हम ठाकुर जी की तरफ से गुरु जी की तरफ से इन सबको मैंने धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन लोगों ने इसका नाम जोरदार डालेगा जोर से डाल देता हूँ। इसलिए क्योंकि इन लोग ने सत्संग की व्यवस्था किया है ये
जगत में सबसे बड़ा दान है ये सत्संग दान है। आप लोग सुना ना, गिरगिट से बन गया तोता, तोता से बन गया गैया की बछड़ा, बछड़ा से बन गया राजा का बेटा। राजा की गर्भ में जन्म ले लिया, सत्संग की केवल सत्संग की दर्शन मात्र से, नारद की भी दर्शन मात्र से। इसलिए सत्संग को जो आयत्न करते हैं वो बड़े भाग्यवान होते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। इसलिए भगवान आप सबको अपना आशीर्वाद करे। जिन लोगों ने यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो, ठाकुर जी आप सबको अपने आशीर्वाद और सबके भगवान भक्ति प्रदान करे, और आप लोग सब जीवन में खुशी और शांति में रहो, और तो भगवान की भजन करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल रहे कोई कोई भजन गा कोई जमने वाले भजन स्लो वाले नहीं तेज वाले श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, उमेर उठे उमेर उठे Thank you.
जाएगा। ये माला नहीं पकड़ सकती ना, फोन के साथ पकड़ती हूँ। माला क्या करो, भगवान का नाम क्या करो, हरे कृष्णा, ठीक है। Thank you.